जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक्चुअली मैं और मुस्तफ़ा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जाने वाले हैं। और बैग मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बट इसमें सामान भी बहुत सारा होता है, सो आई हैव टू कैरी अ बिग बैग। मुस्तफ़ा रखो वापस, मुस्तफ़ा वापस। ये इसी तरह इतने सारे दराज़ों को छान होता है। खैर, अब हम मिलते हैं आप लोगों से। कहाँ पर मुझे खुद भी नहीं पता, निकल के बताती हूँ। क्या किया ये? तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनानी थी, बाल कर्ल करने थे, सारा कुछ निकाल के फेंक रहा है ये लड़का। क्या कमाल का मौसम है आज माशाल्लाह, इतने अरसे बाद धूप देखने को मिली है। और मैंने जाना कहाँ है? मैंने सबसे पहले जाना है जी बैंक। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और जाते हैं। मौसम प्यारा हो ना तो ये दरख्त और ये सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। कलर चेंज हो रहा है आजकल और पत्ते ही पत्ते हैं, तो लाइक धूप में ये सारा कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज इतना अच्छा नहीं लगता। मुस्तफ़ा जी जो है ना, वो पीछे डोरिटोस खा रहे हैं, आजकल फेवरेट चिप्स हैं इसके, बहुत ही पसंद है माशाल्लाह से इसके। पता नहीं कब तक इसको पसंद रहेंगे, क्योंकि इसके भी ना मूड चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ ज़्यादा खा ले तो बस फिर इसको बुरी लगने लगती है, फिर ये नहीं खा। पहुँच चुके हैं बैंक अल्फला। गाड़ी हम करते हैं बस और निकलते हैं वापस। आओ, पता नहीं इसको उस कमरे में क्या नज़र आता है, उधर ही जाता है। एज यूजुअल मुस्तफ़ा की शरारतें जा रही हैं बैंक में। चलो आ जाओ, आ जा, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय। बैंक से हम फारिग हो गए और इसको देखो। हाय, बड़ी कोई गौर से देख रहा है या देख रही है? दूसरा वाला एग्रेसिव है, वो मुझे पीछे से देख के भौंकने लग गया था, आगे वाला तो बिल्कुल बुत बना हुआ है। आ गए हैं वॉलमार्ट और हमने कुछ ग्रोसरीज करनी है घर की, क्योंकि बैंक के बिल्कुल पास था तो मैंने सोचा कि इधर ही आ जाते हैं। वैसे मेरा दिल था हॉरक्स जाऊं, लेकिन बस फिर अपनी आसानी भी तो थोड़ी थोड़ी देखनी होती है ना। हॉरक्स में लाइक सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ें होती हैं, लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें। इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर एक और वीडियो बनाऊँगी, एक तो मैंने बहुत पहले बनाई थी लेकिन अब मेरा दिल है कि एक और बनाऊँ। और वॉलमार्ट में तो जैसे यहाँ पे मतलब नॉर्मली होता है ना, कपड़े भी, जूते भी, मतलब घर की चीज़ें भी, बाहर गार्डनिंग की भी, लाइक ये ऑल इन वन है। तो इसीलिए फिर मैं, अगर मुझे घर की कोई और चीज़ भी चाहिए हो तो मैं वॉलमार्ट प्रेफर करती हूँ, फिर मैं हॉरक्स नहीं जाती। और मुस्तफ़ा का भी मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, फिर मुस्तफ़ा के सोने का टाइम हो चुका था, तो बस इसको बहाने चाहिए थे रोने के। तो खैर देख लें जी, अब शाम हो चुकी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ खाने का भी ले लें, तो मैंने रास्ते में अपने लिए कुछ ले लिया जी ड्राइव थ्रू से। और मुस्तफ़ा मेरे ख्याल से सो चुका था, यस आई थिंक सो चुका था। और ये देखिए जी, अब हम आ गए घर। और जब मैं घर आती हूँ ना, तो सामान मैं आधे पौने घंटे के लिए तो यहीं पे रख देती हूँ, मैं इतनी थकी भी होती हूँ। और ये मेरे ख्याल से अगला दिन था, लेकिन एज सच मैंने व्लॉग करना नहीं था, लेकिन रस्ते में मुझे इतनी प्यारी खूबसूरती नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जी कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि दरख्त बहुत प्यारे थे। फॉल सीज़न है यहाँ पर, और ये भी बिल्कुल जैसे ही हम घर इंटर होने लगते हैं, लाइक जो स्ट्रीट है ना, ये वहाँ पर इतनी प्यारी सी सीनरी से सारे डिफरेंट कलर्स के दरख्त थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी, हमारी स्ट्रीट शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह से खूबसूरती चेक करें। और आज अगर धूप होती ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने बेल्ट अभी उतारी है, तो ये गाड़ी मुझे ना एक सेकंड, ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट सा है, देखिए जी कितना मज़े का लग रहा है ना माशाल्लाह से। इतनी सारी आई हुई है, एक्चुअली कल भी मैंने नहीं खरीदी, कह रही हूँ उठाई, बिल्कुल येलो हो चुका है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि हमारे नेबरहुड में जितने भी दरख्त हैं ना, वो सारे येलो हो जाते हैं और हमारा वाला सब सेंट पे होता है। ये देखिए अभी भी बिल्कुल ग्रीन है, पता नहीं क्यों। और बाकी सारे ऑलमोस्ट लाइक येलो हो चुके हैं, उनके पत्ते गिरना शुरू हो चुके हैं, बल्कि गिर चुके हैं आधे से ज़्यादा। मुस्तफ़ा जानी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को फॉल दिखाएं जी, यहाँ का फॉल। फॉल
आ जाओ जल्दी आ जाओ। इस दफ़ा बस थोड़े दिनों में जब भी धूप निकलेगी ना मैं सारी चीज़ें गिराज में रखना शुरू कर दूँगी। वैसे अभी भी मैं लेट हो गई हूँ। यहाँ पर कुछ मेल आई है बाहर, वो साइकिल भी मैंने रखनी है। एक सेकंड, पता नहीं कौन सी मेल है। और ये वाला दरख्त तो होता ही ऐसा है, इसका तो कलर ही पिंक है। ये गर्मियों में भी ऐसा होता है और सर्दियों में भी ऐसा होता है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नो प्लीज, इस गंदे पानी में गिर जाओगे, गंदे पानी में गिर जाओगे। आ जाओ आ जाओ, चलो गो अवे, कम एंड गेट अनदर डे। मुस्तफ़ा वांट्स टू प्ले रेन रेन गो अवे। मुस्तफ़ा चलो आ जाओ, उधर दूसरी वाली साइड जाते हैं, ठीक है। गाड़ी है जी, इस पर मैंने ड्राइविंग सीखी थी और अब ये ऐसी पड़ी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल लाइक चली गई है। लेकिन पता नहीं इसको कौन चलाएगा, वी डोंट नो। लेकिन काफ़ी साथ रहा है इसका मेरे हस्बैंड के साथ और मैं भी इस पर लाइक 2 साल तक तो हमने ड्राइव की ही है। तो लेकिन ये गाड़ी ऐसी थी जो मुझे कभी भी पसंद नहीं थी और मेरे हस्बैंड काफ़ी खफा होते थे, कहते थे तुम मेरी गाड़ी को पसंद ही नहीं करती, पता नहीं क्यों। लेकिन होता है ना, अब क्या मैं उनका दिल रखने के लिए कह देती मुझे अच्छी लगती है जबकि मुझे नहीं लगती थी। ये कहाँ से निकाल लिया, मुस्तफ़ा को तो अपना अच्छा शक्ल मिल गया था, सही मज़े से भाग रहा था। घर में तो टकराई होती रहती हैं तो उससे बहुत इंजॉय कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा मुझे भी मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर आई थी। वैसे तो जो काम होता है डायरेक्ट गिराज में, गिराज से घर में, लेकिन आज मैं और मुस्तफ़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे नेचर को और हर चीज़ को माशाल्लाह से। बस थोड़ी सी धूप होती ना तो और भी मज़ा आता क्योंकि धूप में ना इस हर चीज़ की खूबसूरती और इन्हेंस हो जाती है, फिर मज़ा आता है। और फिर मैंने थोड़े शीशके भी मारने थे, यू नो फॉल सीज़न था, पत्ते तो गिराने थे ना। ये अभी बज रहे हैं 7:15, लाइक शाम का टाइम है और यहाँ पर अभी मैं जेली बनाने वाली हूँ, ये वाली, और साथ में वो बन रहा है कस्टर्ड, उसी के लिए जेली बन रही है। और ये भी मैं अपनी नूडल्स खा रही हूँ, अभी बैठी हूँ। तो अभी मुस्तफ़ा सोया हुआ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और मैं चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह उसके जागने तक ये कस्टर्ड तैयार हो ताकि मैं उसको, वो जागे और मैं उसको ये खिलाऊँ। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी और मतलब चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ, या तो उसके पीछे वाले दांत निकल रहे हैं, तो बच्चों को आई नो प्रॉब्लम्स वगैरह होती रहती हैं, तो इसीलिए वो ना फूड में भी बहुत पिकी हो गया, मज़े मज़े का फूड खाता है जो मीठा हो और केक्स और इस टाइप की चीज़ें। सो इसीलिए मैंने सोचा कि कस्टर्ड बना दें उसके लिए। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद, ये ब्रेक में मैं ये खा रही हूँ। ये देखें जी, शाम के हो गए हैं तकरीबन 7:30 और मेरा ट्राइफल भी रेडी हो चुका है, फ्रूट ट्राइफल, जिसके अंदर है सेवैया, कस्टर्ड, केक है जी, ये मैंने बनाया था केक, कौन सा केक था, हाँ ब्लूबेरी केक, और मिक्स फ्रूट वगैरह है। अभी ये देखें मैस बना हुआ है, इसको भी मैं सारा संभालूंगी इंशाल्लाह। और अभी नेक्स्ट मैं क्या बनाने वाली हूँ, शुक्र है मुस्तफ़ा अभी तक नहीं उठा। और नेक्स्ट मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी जी, हाँ मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि जी वो बनाया जाए, पकौड़े बनाए जाएँ, और देखेंगे साथ में कुछ और क्या बनता है, लेट्स सी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने सोचा कि थोड़ा डिज़ाइनिंग शिज़ाइनिंग भी कर लें, तो जी ये है कारमल सिरप, सो लेट्स स्टार्ट। एमी वाली डिज़ाइनिंग, ठीक है, कौन सा यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, वैसे ये भी यूट्यूब पे ही जाएगा बट फिर भी। ये पता है आजकल इसको क्या शौक चढ़ा हुआ, शलवार को पैंट को जो भी पहनाया वो नीचे कर देता है और ऐसे ही फिरता रहता है। अभी लगता है ना मुस्तफ़ा आपका मुंह, फिर आप रोते ही रहते। ये ट्राइफल है जो कि मैं इसको खिला रही थी और इसको पता नहीं कहाँ से अपना ये पुराना वाला फीडर सा नज़र आ गया और इसको मज़ा आ रहा था, फिर मैंने अभी फ़िलहाल इसमें इसको पानी डाल के दिए, बाद में मैं इसको जूस वूस बना के देती हूँ, पहले ये खाओ। बच्चे भी ना जब आप वो चीज़ देते हैं तब उनको पसंद नहीं होती, जब कहीं दराज वगैरह में देख लें, ये वाली ड्रॉ में इसके सारे फीडर्स वगैरह पड़े होते थे, पता नहीं इसको कहाँ से पता लगा कि जी इसमें तो फीडर्स हैं, उसने उठा लिया।
तो जी अब हो गया है रात का टाइम और यहाँ पर बन रहे हैं जी मियाँ जी के लिए पकोड़े, क्योंकि आज बारिश हो गई थी ना, बारिश हो जाए तो मैं विश्व बनाने पकोड़े, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है जी तोरी आलू सुसर और अपने एक अदद भाई के लिए जो कि इस टाइप की चीज़ें नहीं खाते। इसमें एक इसलिए है ना क्योंकि मैं पहले एक फ्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या नमक और फलां फलां की क्या कंडीशन है, फलां फलां यानी कि बाकी सारी चीज़ें। ओप्स मोबाइल गिरने वाला था, तो फिर एक चक के फिर मैं देख लेती हूँ कि अच्छा इसमें अगर नमक ज़्यादा है कम है या कोई मसाला कम ज़्यादा है तो फिर मैं कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग खा लेते हैं। क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या? मटर नीचे गिराए हुए जी मुस्तफ़ा ने सारे और अब इनके साथ खेला जा रहा है और मुस्तफ़ा के बाल इतने बड़े हो गए हैं कि अब इसको ज़रूरत है बार्बर के पास जाने की, लेकिन इंशाल्लाह मैं कब लेके जाऊंगी इसको, 5 दिन बाद। लप्पी कौड़ा फ्राई हो गया है और अब इसको मैं मुँह में डालूंगी, वैसे गर्म बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ज़रा हिसाब लगा लूँ कि नमक शमक ठीक है कि नहीं। 1 मिनट, बहुत ही गर्म है, हाँ गर्म। मिर्ची शिर्ची ठीक है, आई थिंक नमक थोड़ा सा कम है। तो ना पकौड़े माशाल्लाह से बहुत पसंद है, जिस दिन अगर मिर्ची वगैरह ना हो तो ये बहुत शौक से खाता है। आ करो क्रच 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 मुझे क्या, ये वही वाला है जो मैंने अभी पहला निकाला था ना चखने के लिए नमक का। तो ये देखिए जी मज़े के यमी यमी से पकौड़े रेडी हो रहे हैं और मुस्तफ़ा का मूड बहुत ख़राब है, इससे ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आ जाओ उठाती हूँ, चलिए जी अल्लाह हाफिज़, ठीक है। कौन खाएगा ये पकौड़ा